दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल विजुअल इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेन ड्राइव को मैक एंड विंडोज में अगर पेन ड्राइव आपको चलानी है तो उसको कैसे फॉर्मेट करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मैक और विंडोज में पेन ड्राइव को चलाते समय दिक्कत आती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे फॉर्मेट करते हैं हम मैक और विंडोज में जिस पेन ड्राइव को हमें चलाना है उसके लिए। ये हमारे पास में ये पेन ड्राइव का आपका ऑप्शन आ जाता है, ये वाला। इसमें अभी एडोब है, इसको मैंने फॉर्मेट करना है। ये देखिए, यहां से मैं करता हूं इसको फॉर्मेट, और फॉर्मेट ऑप्शन जो आता है आपके पास में, ये कैपेसिटी इसकी पेन ड्राइव की है 14.5 फैट और एलोकेशन यूनिट साइज। इसमें क्या करना है, आपने ईएक्स फैट लेना है। अगर आप एनटीएफएस पे लेते हैं पेन ड्राइव को, तो होता क्या है कि पेन ड्राइव रन नहीं करती है, कई बार वो खाली चलेगी तो विंडोज पे चलेगी। लेकिन अगर आप फैट पे लेते हैं या ईएक्स फैट लेके चलते हैं, ईएक्स फैट जो होता है आपका दोनों के लिए ऑप्शन होता है, यानी कि आपकी पेन ड्राइव मैक में भी चलेगी और विंडोज में भी चलेगी। तो इस तरह हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में दो ऑप्शन होता है, एक तो क्विक फॉर्मेट। क्विक फॉर्मेट क्या करता है आपका, सिंपली फॉर्मेट करता है। बट क्या होता है, लोग ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं क्विक फॉर्मेट का, और प्रॉपर फॉर्मेट का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब भी करें आप, प्रॉपर फॉर्मेट का यूज लगे करें, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट क्या होता है कि पेन ड्राइव प्रॉपर फॉर्मेट होती है। अभी मैं आपको क्विक फॉर्मेट के थ्रू ही बता रहा हूँ। EX फैट आपने रखना है अगर आपने अपनी पेन ड्राइव विंडोज और मैक पे रन करानी है। ये देखिए, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये आपसे पूछेगा इसमें आपका जो भी डाटा है वो है या नहीं, इसलिए हम इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई है। अब ये आपकी पेन ड्राइव रेडी है, आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेन ड्राइव में डाटा डालना है तो नॉर्मली आपको सिंपली उठाना है और ड्रैग कर देना है। तो नमस्कार दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीज़ों के बारे में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।